क्या नफली रोज़ा जानबूझकर तोड़ने से गुनाह होता है? नफली रोज़ा जानबूझ के भी तोड़ दिया किसी मसलहत की खातिर तो गुनहगार नहीं होते हैं और कज़ा भी वाजिब नहीं होती है। अच्छा, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में एक रिवायत है कि वो अपने अंसारी भाई के घर आए तो इत्तेफाक़ से वो कहीं बाहर गए हुए थे और दोनों पहले मुआखात की वजह से भाई भाई थे, तो उनकी बीवी को देखा कि एक बहुत मामूली लिबास में है। पूछा, ये क्या बात है, ऐसा मामूली लिबास? तुम्हारे शौहर हैं, घर में सब कुछ है, तुमको तो अच्छा लिबास ज़रा बनठन के रहना चाहिए अपने शौहर के सामने, ये ऐसे क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपको भाई, आपके भाई को, यानी अपने शौहर के बारे में कहें, आपके भाई को औरतों से मतलब क्या है? दिन भर रोज़ा रखते हैं और रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं, बीवी बच्चों से उन्हें कोई मतलब नहीं, तो मैं किसके लिए रोज़ी रखता हूँ, किसके लिए अच्छा पहनूँ? ये उन्होंने जो है माजरत पेश सबब बताया कि इस वास्ते से। तो ये तरीका तो बहुत गलत बात है। हर आदमी पर उसके बीवी बच्चों का भी हक है, उसके आँख का भी हक है और उसके जिस्म का भी हक है। इस वास्ते रोज़ा भी रखना चाहिए, रोज़ा नहीं भी रखना चाहिए, तहज्जुद भी पढ़ना चाहिए और सोना भी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं ना। तो ये सुना उन्होंने, खामोश हो गए। उसके बाद में जब इनके भाई आए तो देखा कि अरे सलमान फारसी रहते अल्लाह मेरे भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं, घर में बात करने से खाना पकाओ और लाओ। इसके खाना उन्होंने पकाया कि अल्लाह के रखा, तो कह रहे आप खाना खाइए, मैं रोज़े से हूँ। क्या कह रहे हैं कि सलमान फारसी से कि आप, मैं तो रोज़े से हूँ, आप खाना तनाउल फरमाइए। है सलमान फारसी ने कहा, नहीं, जब तक तुम खाना नहीं खाओगे मैं खाना नहीं खाऊँगा। अरे भाई मैं रोज़े से हूँ। रोज़े से हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है रोज़ा तोड़ दो, मेहमान के साथ खाना खाओ, तुम रोज़ा नहीं तोड़ोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने रोज़ा तोड़ दिया और इनके साथ बैठ करके खाना खाया। और फिर उसके बाद में यही सहाबी गए रसूलुल्लाह सल्लम के पास कि सलमान फारसी ने आज ऐसे ऐसे कहा और मेरा रोज़ा तोड़ा दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा कि सदका सलमान, हूँ सलमान ने बिल्कुल सही सच बात कही है, ये नफली रोज़ा था, ये इनका नफली रोज़ा था, तोड़ा दिया सलमान फारसी ने और बाद में पता करने के लिए भी नहीं कहा। तो ऐसी ज़रूरत हो जाए कहीं तो ऐसी सूरत में नफली रोज़ा तोड़ सकते हैं और फिर उसकी कज़ा भी वाजिब नहीं है, क्योंकि नफली चीज़ थी, कज़ा करना वाजिब नहीं है।